बाकी दोस्तों हमारी ट्रेन से पहले आदित्य भाई निकल चुके हैं। चलो आदित्य भाई मिलेंगे लोग फर्स्ट लेज भी आला हजरत। साफ सफाई इस ट्रेन की कोई नहीं है, बाकी जनरल कोच का कंडीशन बहुत बेकार लगी है। बिहार चंपाकांती दरभंगा नई दिल्ली बहुत जल्द जर्नी आएगा, देखना चाहो कमेंट। जय हिंद मेरे रेल फैंस, कैसे आप सब भाई इस बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर यानी लखनऊ कैपिटल, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से, और आप सभी को आज ले चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र यानी गोरखपुर, जो कि ट्रेन नंबर 19409 जो कि गुजरात के अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच चलती है। हफ्ते के दो दिन चलती है, एवरी आपको थर्सडे और सैटरडे को गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन से और आपको ठीक छोड़ देती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन। मेरा जर्नी होगा नवाबों के शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन बीच, और टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 270 किलोमीटर, 5 घंटा 40 मिनट के टाइम लेंगे, 4 हॉल्टों के साथ। ये एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, इस ट्रेन का रेक जोन ऑपरेट होता है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। बाकी चलिए चलते हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के नज़ारों के साथ और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सफ़र पता ही है जनरल कोच में करेंगे एक शॉर्ट जर्नी लखनऊ चारबाग से गोरखपुर के बीच। चलिए चलते हैं। यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं बाहर का कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखता है सुबह का टाइम, और यह है चारबाग रेलवे स्टेशन। आपको लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन और चारबाग मेट्रो, देखिए वहाँ मेट्रो भी आ रहा है, चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर निकले अगर लखनऊ तो मेट्रो स्टेशन है। धूप की वजह से जो है लखनऊ चारबाग का कुछ नज़ारा, तो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का नज़ारा जैसे आप इंटर करेंगे तो देख सकते हैं चारों तरफ जो है पैसेंजर आपको लखनऊ चारबाग। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन डिस्प्ले पे अपना ट्रेन शो करता हुआ देख लीजिए, नजारा है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन का देख लीजिए, ज्यादा लोग पैसेंजर। दोस्तों लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन बाग एक्सप्रेस, ये लखनऊ चारबाग का नजारा, चलिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन की छोटी सी जानकारी दे दूं, तो इस ट्रेन का नंबर है 19409 जो कि गुजरात के अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच चलती है। हफ्ते के दो दिन चलती है, थर्सडे और सैटरडे को आपको अहमदाबाद जंक्शन से, और ये ट्रेन आपको 1570 किलोमीटर की जर्नी पूरे 31 घंटे बाद आपको 26 हॉल्टों के साथ ये आपको छोड़ देती है गोरखपुर जंक्शन। बाकी LHB रेक के साथ चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये रात के 9:50 ठीक आपको तीसरे दिन आपको शाम के 4:50 पर आप होंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। बाकी इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, ई केटिंग ऑन बोर्ड केटिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन का रेक शेयर होता है सुल्तानपुर अहमदाबाद सुपरफास्ट और पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस में, इस ट्रेन का रेक शेयरिंग। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, क्योंकि अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। यही थी एक छोटी सी जानकारी अपनी ट्रेन का अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस का। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म पे अपनी भी ट्रेन आएगी। तो चलिए सीधे मिलते हैं अराइवल के साथ और जर्नी को स्टार्ट करते हुए। तो दोस्तों अपनी जर्नी हो रही है अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस और आदित्य भाई से विदा लेकर लखनऊ से हम निकल रहे हैं। बाकी इधर लगा हुआ है आदित्य भाई के लिए बनारस के लिए आनंद विहार मालदा एक्सप्रेस में ये निकल रहा है, और देखते हैं सबसे पहले तो यही निकलेगा क्योंकि अपनी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का टाइम है सुबह के 11 बजे। तो चलिए आदित्य भाई कब मिला जाएगा फिर LHB जर्नी में मिला जाएगा, है ना? 28 को आला हजरत एक्सप्रेस, आला हजरत एक्सप्रेस बरेली भूज का फर्स्ट LHB में 28 को मिलते हैं लोग फिर साथ में, उससे पहले तो हम भी बिजी रहेंगे। बाकी भाई से मिल के चलिए यहाँ से विदा लेते हैं, बाकी ये भी निकलने वाला ही है, तो चलिए देखते हैं इसके डिपार्चर और फिर अपनी जर्नी का स्टार्ट। अहमदाबाद का, हाँ चलिए ठीक है, आदित्य भाई से मिलकर अच्छा लगा। चलिए ये भी निकलता है तो डिपार्चर में इसको लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी ट्रेन का लेते हैं अराइवल, फिर जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाकी नवाबों के शहर लखनऊ। बाकी दोस्तों हमारी ट्रेन से पहले आदित्य भाई निकल चुके हैं, चलो आदित्य भाई मिलेंगे लोग फर्स्ट लेज भी आला हजरत एक्सप्रेस की जर्नी में। दोस्तों WAP 7 लोकोमोटिव के साथ आ चुकी अपनी ट्रेन, देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल देखिए, चौधरा सेठ का है अपनी ट्रेन आ चुकी भाई साहब अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। भाई साहब देख लीजिए कितना पैक है भाई साहब, रस देखिए पहले इस ट्रेन का, आगे की तरफ देख लीजिए काफी ज्यादा यहाँ भी डिबोट करना।
ट्रेन बिफोर आ चुकी लखनऊ, 4 बजे का प्लेटफॉर्म है 2 पे। तो चलिए देख चलते हैं क्योंकि अपनी जर्नी जो पीछे के जनरल कोच में होने वाली है, बाकी देख सकते हैं। तो चलिए सीधे अराइवल हो गया है और मिलते हैं सीधे डिपार्चर के साथ। तो दोस्तों अपनी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लखनऊ, 4 बजे 35 मिनट बिफोर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पहुँचने का टाइम था सुबह के 11 बजे और 11:10 10 मिनट बाद डिपार्चर टाइम था, बट ट्रेन पहुंची है 10:35 पे। तो चलिए अपनी ट्रेन का सीधे यहाँ से देखते हैं डिपार्चर, आगे जनरल में चलते हैं, फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करके सीधे मिलते हैं डिपार्चर के साथ। तो दोस्तों 5 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ 4 बजे से, देखिए डिपार्चर यहाँ 35 मिनट बिफोर आया था और 5 मिनट की देरी से निकल चुका है 11:15 पे अपनी ट्रेन लखनऊ से, देखिए डिपार्चर। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ फिर भी क्या बात है, 40 है तेरा ऑलराइट। ये 28 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आप लोग आ चुके अपने जर्नी का फर्स्ट स्टॉप उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BBK। टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 91 ट्रेनों का पॉर्ट है हॉल्ट का, 4 ट्रेन और जी टोमेटो थे उत्तर प्रदेश के नॉर्थन रेलवे के लखनऊ 4 बजे डिवीजन में था। बाकी 20 मिनट बिफोर आई है, 2 मिनट का हॉल्ट है, चले देखते हैं। भैया कैसे दे रहे हो समोसा? दे दीजिए हमें भी। बाकी बाराबंकी जंक्शन पे हमने ले रहा है समोसा और टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। गरम है ना? बाकी यहाँ पे हमने लिया गर्मा गर्म 3 समोसे 20 का, चलिए टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। आपको गर्मा गर्म समोसे नाश्ते वगैरह ले सकते हैं बिफोर आइए 20 मिनट, और यहाँ पे मैंने लिया 3 समोसा, चलिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग की ट्रेन 20 मिनट बिफोर पहुंच चुकी है पहली स्टॉपेज बाराबंकी जंक्शन, और बाराबंकी जंक्शन पे बहुत सारे आपको खाने पीने की चीज़ मिलेगी, जैसे मैंने लिया 20 के 3 समोसे। फिलहाल समोसे जो है गर्म है और साथ में जो है हरी मिर्च भी दिया है, तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं फिर बताना आप लोग खाएं कैसा था। सही था भैया बोल रहे हैं कि सही था, और फिर उसके बाद चाय का टेस्ट भी सही है। तो बाराबंकी जंक्शन पे मिला जुला के ठीक ही मिलता है वही, और कहीं देखो तो बहुत ज़्यादा इतनी होता है ना। बाकी समोसा गरम है, टेस्ट बढ़िया है, खा सकते हैं। आए बाराबंकी जंक्शन पे, 10 बिफोर आती है, तो चलिए मिलते हैं डिपार्चर के साथ। बाकी यहाँ देख सकते हैं आपको हर वैरायटी के बाराबंकी जंक्शन पे आया, तो बहुत सारे भैया घड़ी भी बेचते हैं। घड़ी का दाम बता दो भैया, लगा के यहाँ तक कोई पूरा जो भी लीजिएगा लेडीज जेंट्स सब 100 रुपए है ना। बाकी बाराबंकी जंक्शन पे रेलवे का, तो आप हमेशा बाराबंकी जंक्शन पे ही मिलते हो? ओके ओके। बाकी बहुत सारे सामान आपको बाराबंकी जंक्शन पे, जैसे लेडीज से लेके जेंट्स आपको हर वैरायटी की घड़ी मिल जाएगी, वह सब 100 रुपए की भैया ने। दोस्तों बाराबंकी जंक्शन पे अपनी ट्रेन से पहले निकल रहा है सरयू यमुना एक्सप्रेस अमृतसर जयनगर, देखिए। और यहाँ से उसका रूट अलग है और हम जाएंगे भाई दूसरे रूट से। अमृतसर जाने का बहुत जल्द उस ट्रेन का भी LHB मिलने वाला है, तो मिलेंगे उसका, कोशिश करेंगे फर्स्ट LHB में जर्नी करने का सरयू यमुना एक्सप्रेस अमृतसर जयनगर। पूरी ICF उत्कृष्ट का रेक इसमें है।
और बाराबंकी जंक्शन से उसका डिपार्चर हुआ है बिल्कुल ऑन टाइम। अमृतसर जयनगर सरी यमुना एक्सप्रेस, यहाँ से इसका रूट अलग है और हम जाएंगे वाया गोंडा गोरखपुर के रास्ते भाई। अमृतसर जयनगर सरी यमुना एक्सप्रेस बाराबंकी जंक्शन से डिपार्ट करता हुआ हमारी ट्रेन से पहले, क्योंकि हमारी ट्रेन का अभी सिग्नल नहीं हुआ क्योंकि ऑन टाइम सिग्नल होगा। और ठीक दोस्तों, गार्ड बोगी के बाद एक पीछे एक्स्ट्रा कुछ लगाया गया है, देख सकते हैं सरी यमुना एक्सप्रेस। बाय बाय सरी यमुना। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका, देखिए डिपार्चर। ₹40 हैं। पढ़ाई करो बेटा, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करो। पांडे को कौन सिखा दिया?
तो ऑल राइट गाइस, 117 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का सेकंड स्टॉप पे, गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GD। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 132 ट्रेनों का हॉल्ट है, 10 ट्रेन और जीएट ऑटोमेट होते हैं। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न के लखनऊ डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है गोंडा जंक्शन और ट्रेन अपनी 20 मिनट की देरी से ही है। बाकी बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल वगैरह मिल जाएगी गोंडा जंक्शन, चल देखते हैं डिपार्ट। दोस्तों फाइनली 10 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का सिग्नल हो चुका गोंडा जंक्शन से। चलिए यहाँ से देखिए डिपार्चर गोंडा जंक्शन से, मैं 10 मिनट का हॉल्ट है तो आप लोग आराम से कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत सारे बरौनी जम्मू तवी एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस। मिलल तक दोस्तों बस्ती रेलवे स्टेशन से पहले गोविंदनगर में हमारी मुलाकात होती है 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस, जो कटिहार अमृतसर के बीच चलती है, को गोविंदनगर में खड़ा कर दिया गया है। तो सुधरने के नाम नहीं ले रहे, जान से परवाह कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आम्रपाली एक्सप्रेस को ओवरटेक करके निकल रही है बस्ती रेलवे के स्टेशन की ओर, और आम्रपाली एक्सप्रेस भी 2 घंटे लेट चल रही है कटिहार और अमृतसर के बीच, और हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। हमारी ट्रेन इस ट्रेन को ओवरटेक करके निकल पड़ी है। चलिए आपसे सीधे मिलते हैं बस्ती रेलवे स्टेशन। ऑलराइट, ये 206 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का थर्ड स्टॉप पे, उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BST। टोटल 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 113 ट्रेनों का हॉल्ट है, 1 ट्रेन और जीएट ऑटोमेट होती है।
बाकी इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन। और अपनी ट्रेन का 4 मिनट के स्टॉप है और अपनी ट्रेन पहुंची है भाई साहब 2.5 घंटा लेट, 2 घंटा 20 मिनट। और ठीक मेरे सामने खड़ी है बिहार संपर्कांति जो दरभंगा और नई दिल्ली के बीच चलती है, उसका जर्नी देखना चाहोगे तो कमेंट जरूर करना। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ 4 मिनट का स्टॉप है, चलिए हम लोग देखते हैं डिपार्चर और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे अपना। तो दोस्तों 2.5 घंटे की देरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है बस्ती से, देखिए डिपार्चर और ठीक सामने लगी है बिहार संपर्कांति दरभंगा नई दिल्ली। बहुत जल्द जर्नी आएगा, देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊँ। बाकी निकल चुकी है अपनी ट्रेन बस्ती से, देखिए डिपार्चर। तो ऑलराइट ये 235 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने जर्नी का 4th स्टेशन पे, उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है KLD। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 70 ट्रेनों का आउट है, यहाँ से नाइको ट्रेन और ये टोमेटो दिया और अपनी ट्रेन का 2 मिनट का आउट है। और अपनी ट्रेन पहुँची है भाई साहब 2 घंटे 45 मिनट, 2.5 घंटे की देरी से पहुँची है खलीलाबाद। और इसके बाद 33 किलोमीटर नॉन स्टॉप का हम पहुँचेंगे फाइनल डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन, अपनी जर्नी का एंडिंग पॉइंट और इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट। बाकी इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न के लखनऊ डिवीजन, चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका खलीलाबाद रेलवे स्टेशन, चलिए यहाँ से देखते हैं डिपार्ट। बाय बाय खलीलाबाद, मिलेंगे लोग बहुत जल्द एक और नए जर्नी के साथ। तो चलिए दोस्तों अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस का ट्रेन का कोच का टूर कराते हैं। तो सामने देखते हैं वाशरूम में जाने से पहले बाहर एक मिरर है जो कि हालांकि साफ है भाई, आप बेसिन का हाल देख के समझ सकते हो कितना गंदगी पड़ा हुआ है जो कि गुटखा और तंबाकू का है। बाकी फिलहाल जो है बेसिन में जो पानी है नीचे डस्टबिन है, इधर फायर डिस्ट्रीब्यूटर है और इधर भी डस्टबिन। चलिए वाशरूम का कंडीशन देखते हैं अपनी ट्रेन का क्या हाल हो चुका है, वाशरूम का कंडीशन कैसा है, चलिए चलते हैं। तो अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस का वाशरूम में आ चुका है, देख लीजिए मिरर जो है पानी के सीटे से खराब है और देख लीजिए भाई साहब ड्रेसिंग में जो है हालांकि साफ है और पानी भी है, बाकी देख लीजिए नीचे का गंदगी भाई। और ऊपर छोटा सा ट्यूबलाइट, इधर आपको हैंगर दिया हुआ है कपड़े वगैरह टांगने का, बाकी बहुत ज़्यादा गंदगी है भाई। चलिए चलते हैं इस ट्रेन का भाई, गंदगी कोच का भी वही है, चलिए देखते हैं अपने कोच का टूर देखते हैं। बाकी साफ सफाई देख लीजिए, इस ट्रेन का कोई साफ सफाई नहीं है। बाकी चलते हैं अपनी कोच में और कोच का हाल बहुत बेकार है अहमदाबाद गोरखपुर, साफ सफाई कोई नहीं है इस ट्रेन का। और रही बात कोच का हाल, तो देख लीजिए जनरल कोच का यही कंडीशन होता है लेकिन साफ सफाई है दोनों तरफ सेम वही होगा कंडीशन, देख लीजिए गेटों पर पूरे भैया लोग जो है पड़े हुए हैं, बाकी इधर का वही कंडीशन है देखते हैं, इधर भी वही कंडीशन है, चलिए चलते हैं। और इधर का भी थोड़ा बहुत अपना रिव्यू लेते हैं हम लोग। और भाई सर इधर भी पूरे पैक है अपना कोच देख लीजिए, और साफ सफाई इस ट्रेन की कोई नहीं है, बाकी जनरल कोच का कंडीशन बहुत बेकार है ना, बाकी इधर भी कंडीशन सेम है, चलिए मिलते हैं। मुजफ्फरपुर आनंद विहार जो कि ऑन टाइम निकल रही है गोरखपुर जंक्शन से, और हमारी ट्रेन से मुलाकात हो रही है भाई साहब गोरखपुर जंक्शन जो कि चंपारण की शान बोला जाता है, सप्तक्रांति आनंद विहार मुजफ्फरपुर आनंद विहार। और बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है गोरखपुर से बिल्कुल 6:30, 1/2 घंटे की देरी से सप्तक्रांति। यहाँ पहुँचने का टाइम था शाम के 4:50 और अभी टाइम रहा शाम के 7:40, कह सकते हैं 2 घंटा 15 मिनट की देरी से फाइनल डेस्टिनेशन और पहुँचते हुए गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8।
तो चलिए रे भैया जी, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ऑल्ट यानी गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुंचने का टाइम था शाम के 4:50 और अभी टाइम रहा 7:50। कह सकते हैं अपनी ट्रेन 2 घंटा 15 मिनट की देरी से फाइनल डेस्टिनेशन और पहुंच चुकी है गोरखपुर जंक्शन। और लगभग हम इस ट्रेन का 270 किलोमीटर पूरी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंचेंगे अपने जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन और इस ट्रेन का आखिरी स्टेप है यानी गोरखपुर जंक्शन। और हमारी जर्नी एंड होती है यहीं पे। मिलते हैं आप सभी से एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। और रही बात इस ट्रेन की साफ़ सफाई, तो साफ़ सफाई कोई नहीं है ना भैया। और भाई साहब चोरों से इस ट्रेन में सावधान रहे, क्योंकि 2 बस्ती के बाद चोर चढ़ा अपना कोच में। बाकी जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, यही था कि अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं तो थोड़ा सा सेफ रहिएगा इस ट्रेन में, क्योंकि चोरों से सावधान। बस्ती से जब ये ट्रेन निकला था ना, तो अपनी कोच का हो गया था काफ़ी हाल बेकार। चलिए इस जर्नी को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। और जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा, क्योंकि ट्रेन हो गई थी 2.5 घंटे देरी। और रही बात जर्नी एक्सपीरियंस, तो देख ही लिया इस ट्रेन का क्या कंडीशन है। बाकी मिलते हैं आप सभी से एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक बाय अलविदा। और ये छोटा सा एक जर्नी था, चलिए मिलेंगे आप सभी को एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। और इस जर्नी को हम समाप्त करते हुए बाकी अपनी ट्रेन का यही एंडिंग पॉइंट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय अलविदा। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कीजिए ताकि नए अपडेट पाने के लिए। जय हिंद।